सभापति महोदय, आपने मुझे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन विधेयक 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन में खड़ा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, RTE जब 2009 में आया उसके बाद से विशेषकर 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। अब यह स्कूल में बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कमा है, लेकिन अभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में अभी भी बीच में स्कूल छोड़ने का प्रतिशत 57 है। यह विचार करने की ज़रूरत है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, खास करके 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभिक शिक्षा जो अवश्य ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण इलाके और गरीब के बच्चे होते हैं। खास करके जब हम ग्रामीण इलाके में हैं, हम लोग रहने वाले हैं, गाँव में घूमते हैं, तो आज भी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अच्छे जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज का अंतिम पायदान में बैठने वाले लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में रहते हैं। तो इसको और सुधार करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश में प्रायः सरकारी स्कूल के शिक्षकों से शिक्षण गतिविधि जैसे जनगणना, निरीक्षण कार्य, चुनावी कार्य, टीकाकरण, ये सब लिया जाता है। इससे भी शिक्षकों पर असर पड़ता है और पढ़ाई लिखाई बच्चों को वो नहीं गुणवत्तापूर्ण नहीं कर पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमको 2 मिनट समय दीजिए। नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, हम भी सरकार के अंग हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1-2 मिनट समय दीजिए। RTE एक्ट में पिछले संशोधन से यह निश्चित किया गया है कि देश में प्रारंभिक शिक्षा में प्रायः सभी शिक्षक जो ट्रेंड नहीं थे, अब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन मैं एक और इस पर सुधार देना चाहूँगा कि जब हमने अभी हमारे साथी संजय जी चर्चा कर रहे थे कि 2007 में सर 2007 में बिहार में एनडीए की सरकार जब बनी, तो उस समय बच्चियां 9वां क्लास में 1,70,000 पढ़ती थी। जब साइकिल योजना मुख्यमंत्री जी ने वहां शुरू किया, उस समय 1,70,000, आज अभी जो 9वां क्लास में बच्चियां पढ़ रही है, जो साइकिल बांटा गया है, 15,15,000 हो गया है। इसलिए और भारत सरकार को संसाधन देने की जरूरत है कि राज्यों को जब तक ये संसाधन नहीं देंगे, जब तक हमारे गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।